अलकुम जिस तरह से आपने मेरा थंबनेल में देखा है कि आज आजकल लोग तो शॉपिंग पे है और काफ़ी दिनों से सेल्स लगी हुई थी लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि छः बजे तो मार्केट्स बंद हो जाती थी और चार पाँच बजे तक तो हम लोग घर के काम करके फारिग होते हैं सारी हेल्पर्स के साथ कुकिंग शुकिंग सारा कुछ तो खैर जी बिल्कुल लास्ट डेट ट्वेंटी थर्ड मार्च को ही मुझे टाइम मिला और मैंने सोचा कि किसी ऐसी जगह चले जाया जाए कि जहाँ पे अंडर वन रूफ मुझे सारी ब्रांड्स मिल जाए तो मैं पैकेज चली गई और बस पैकेजेस में जाके फिर खाड़ी आइडियाज़ और कहाँ अलकरम और लाइमलाइट और इस तरह से डिफरेंट ब्रांड्स की जो जो मैंने शॉपिंग की वो मैं आज आप सबके साथ शेयर करूँगी जो जल्दी में जितना हो सका तो वो बस मैंने उठा लिया और मोस्टली अब जाहिर है कि मेरे साथ बच्चियाँ होती हैं तो अपने से तो मेरी बच्चियों की चीज़ें थी वो मैंने ली और वो मैं आपको दिखाऊँगी और अब शॉपिंग करके हम लोग थक चुके थे और हम लोग यहाँ पे आके फूड कोर्ट बैठ गए और बस सब ने अपना अपना ऑर्डर किया फ़ूड कोर्ट का ये होता है कि एक चीज़ की बजाय जिसका जो दिल करता है वो अपनी अपनी पिक कर लेता है तो इस तरह से हम लोगों ने भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पिक की अपनी अपनी शॉपिंग वॉपिंग करके खा पी के और फुल थके टूटे थके टूटे कहते हैं ना थके टूटे सही तरीके से ना हम लोग घर पहुँचे और घर जाते भी मेहमान आए हुए थे तो बस फिर आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो भी सारा खाना शाना बनाया और मेहमानों के साथ बिजी हो गई और मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं इसे अनपैक करती मेरे अनपैक करने से पहले ही बच्चों ने अनपैक कर लिया था तो वो ख़ुद अपनी चीज़ें वीज़ें देख चुके थे तो खैर फिर मैंने दोबारा से जो भी हालतें थी चीज़ों की वो मैंने दोबारा से निकाल निकल के और मैंने कहा चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ये आपके सामने है अच्छा ये मेरा सेल्स पे नहीं था ये बिल्कुल न्यू अराइवल था जो बाहर उन्होंने डिस्प्ले पे भी लगाया हुआ था मेरी बेटी का है लेकिन ये कि पूरा सूट मुझे मिल गया आउटफिटर से और ये बहुत प्रैक्टिकल सा फ़ोर सीज़न सूट है मुझे लग रहा था कि कोई विंटर का मुझे इस तरह से देखने में लग रहा था जिस तरह से लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं जी बिल्कुल न्यू अराइवल है और समर का है और लेकिन ये कि आप ये फोर सीज़न ही चल सकता है तो यार बच्चों के लिए टीन एजर बच्चियों के लिए फिर वो चीज़ें मिलती नहीं हैं जो इस तरह से प्रैक्टिकल सी हों और आपको पता है कि बच्चे आजकल बिल्कुल तो टोटल ईस्टर्न भी नहीं पहनते कुछ कॉम्बो सा पहनते ईस्ट वेस्ट का तो बस ये मुझे बड़ा प्रैक्टिकल सा लगा तो मैंने ये पिक कर लिया थर्टी फाइव हंड्रेड का ये था फिर साथ ये एक शर्ट थी ये भी आउटफिटर की थी और ये थी कोई फोटी परसेंट ऑफ पे और ये मुझे सेवन हंड्रेड में मिली और अब ये खाडी का आ गया है खादी का भी क्योंकि अगर रमज़ान आ रहे हैं ईद आ रहे हैं तो मुझे इनके ईस्टर्न वाले कपड़े भी चाहिए थे तो ये कुर्ता यहाँ पे इसका शायद इतना पता नहीं चल रहा लेकिन ये खुल के बहुत अच्छा पहना बहुत पहना हुआ बहुत डिसेंट सा लग रहा था और जब मैंने ये पिक किया तो वहाँ पे और काफ़ी तीन चार लोगों ने देख के इसी को निकलवाना स्टार्ट कर दिया सिंपल सिम्पल वाइट्स है टसल्स हैं लेकिन ये कि ये आ, पहना हुआ बहुत एलिगेंट्स और डिसेंटस लग रहा था तो मैंने कहा चलो आगे ईद के दिनों में काम आएगा एक ये मैंने उसका खाडी से लिया है इसके साथ मैं उसे कपड़ी बना दूँगी वाइट कलर में ही और एक मैंने उसका वेस्टर्न सा वेस्टर्न मतलब कि थाई तक एक, एक शर्ट ली है तो उसके साथ भी उसकी कोई ब्लैक क्लॉथ्स uh, या कुछ ब्लैक टाइट्स चल जाएंगी तो बस ये थी मेरी खाडी की और ऐसे ही लाइम लाइट खाडी और जो अलग अलग जगहों से मैंने दो दो तीन तीन चीज़ें पिक की हैं जो एक दिन की है, ये वन डे की शॉपिंग है जो एक दिन में जितना भाग दौड़ में जितना काम हो सका तो बस वो मैंने कर लिया मुझे अपनी चीज़ें भी करनी थी लेकिन वो ज़रा आपको पता है कि ज़रा बच्चों की टेंशन ख़त्म हो जाए तो बंदा थोड़ा रिलैक्स होता है तो मैं अपने वाले सेक्शंस में तो गई नहीं जो इतना ज़्यादा अनस्टिच भी था या जो दूसरी चीज़ें भी थी तो मुझे था कि पहले ये अब बच्चियाँ हैं माशाल्लाह से ये भी बड़ी होती हुई बच्चियाँ हैं तो इनकी भी एक प्रॉपर एक हर चीज़ होती है और इनका ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इनकी चॉइसेस इन्हें चूज़ करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है तो बस ये मेरे साथ थी और जो इन्हें पसंद आ रहा था अल्लाह अल्लाह करके कोई चीज़ इन्हें पसंद आती थी तो मैं मुझे था कि बस मैं पहले वो उठा लूँ तो अपना तो मैं स्टिच वटिच भी करवा लूँगी कुछ टेलर वेलर से भी कुछ ना कुछ करेंगे इन शाला वो भी आपके सामने आता रहेगा तो ये इसका खाटी का ही है सेकंड वाला आ, जो थोड़ा ज़रा हल्का सा कॉम्बो है वेस्टर्न वेस्ट ईस्ट का थोड़ा और आ, बस इसके साथ मैं आपको कह रही थी कि ब्लैक क्लॉट हो जाएगा ब्लैक टाइट्स हो जाएंगे एक ये हो जाएगा ये थोड़ा उसमें था ग्रिप्स था कुछ मतलब थोड़ा फॉर्मल था तो तो बस मुझे ज़्यादा टेंशन थी कि रमज़ान स्टार्ट हो रहा है और रमज़ान से पहले कुछ काम मेरे हो जाए क्योंकि आपको पता है कि फिर रमज़ान में ईद के लिए अपनी शॉपिंग्स रिलेटिव्स में देना लेना फिर बच्चों की और हेल्पर्स और बेतहाशा काम भर जाता है और उसके अलावा रमज़ान में टाइमिंग्स इतनी अजीब हो जाती हैं लाइक क्योंकि आजकल स्कूल्स नहीं हैं तो बच्चे सही टाइम तक तो जाग रहे होते हैं और अफतारी का भी काम माशाल्लाह से इतना ज़्यादा होता है फिर अपनी इबादत होती हैं और बाकी चीज़ें तो इसलिए कि रमज़ान से पहले पहले हम अपने आप को जितना ज़रा इजी कर लें और जितने अपना होमवर्क कर लें तो बेहतर रहता है अब ये आपके सामने ये भी अलकरम का था और अलकरम और आइडियाज़ का मैं बताऊँ आपको कि बहुत अच्छे आए हुए हैं बहुत रीज़नेबल आए हुए हैं आइडियाज़ भी तो बल्क के हिसाब से आए हुए हैं बेतहाशा आए हैं कि मतलब हर तरह के कुर्ते शर्ट्स आपको बड़ी अच्छी प्राइसेस में मिल रही हैं और अब अगर आप स्टिच करवाने जाते हैं तो वो भी अब ट्वेल्व हंड्रेड हंड्रेड तो आजकल स्टिचिंग हो गई है ना बल्कि इससे भी ऊपर जा रही है तो ये बल्कि बेहतर रहता है कि आपको डिज़ाइनिंग के साथ फैब्रिक के साथ रेडी टू वेयर आपको, आपको कुर्ते अगर शर्ट्स इस तरह से मिल जाती हैं साथ में आपको ट्राउज़र्स उठा लें या उसकी टाइट्स उठा लें तो बड़ा ईज़ी काम हो जाता है और बहुत रिजनेबल काम हो जाता है खैर जी ये भी भीक्रम का ही था और ये थोड़ा सा सिल्क में था थोड़ा फॉर्मल था और बस ऐसे मिक्स लिए थे कुछ ईस्टर्न कुछ वेस्टर्न कुछ कैजुअल uh, uh, और कुछ थोड़े से फॉर्मल ताकि आगे ईद के दिन हैं तो वो भी बच्चों के चल जाएं और uh, ये ब्रेकआउट से थी स्ट्रेचेबल तो जीन्स थी और जीन्स टी शर्ट तो बॉयज़ गर्ल्स बोथ को दोनों को ही चाहिए होती है क्योंकि ये बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज़ भी होती हैं और uh, बच्चे ज़रा ईज़ी कम्फर्टेबल फ़ील करते हैं तो खैर मैं रमज़ान की भी बात कर रही थी साथ साथ आ, उसके लिए मैं पूरे घर को डी क्लटर करने वाली हूँ सब कुछ क्योंकि अगर जो जो स्टोर में चीज़ें इतनी देर की भरी होती हैं या किचन में इतनी फालतू तो चीज़ें जमा हुई होती हैं कपड़ा इतना हम और ख़रीदी जाते हैं और कब्डस भरी होती हैं तो रमज़ान से पहले मुझे होता है कि सब कुछ डी क्लटर कर दिया जाए निकाल दिया जाए तो एक बड़ा अच्छा सुकून होता है एक तो आ, ये नहीं कि मैं वैसे ही मतलब चलें जिनके हमारे जो चीज़ें काम नहीं आ रही होती और कुछ दूसरे लोगों के काम आ जाती हैं वो भी होता है और दूसरा ख़ुद को भी बहुत सुकून हो जाता है कि अगर आप इबादत अपनी स्टार्ट करते हैं तो घर का ज़रा एक कोना कोना एक साफ़ होता है तो इंसान थोड़ा रिलैक्स होता है कि वो एक बड़ा अच्छा, अच्छा सा फ़ील आता है वो और उसके अलावा फिर मुझे जो चीज़ें फ्रीज़ करनी है जो चीज़ें चॉप करके रखनी है उसके लिए मुझे फ्रीजर बैग्स में लेकर आई थी जो एयर टाइट ज़िप लॉक बैग्स होते हैं तो वो भी इनशाला तैयार आपके साथ साथ अब ये पूरा दो हफ़्ते बहुत बिजी जाने वाले हैं साथ में आप ये लाइम लाइट के देखें लेगिनस ये भी थे जो बहुत प्रैक्टिकल सी चीज़ है तो इन शाला तब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में